श्री गणेशाय नमः माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम मित्रों आज हम बात करेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति हरफन मौला है हरफन मौला बनने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है सबसे पहले उसके गुरु अच्छे हों तो गुरु अच्छे होंगे तो क्या होगा उसको जितना सदगति का ज्ञान है वो भी खूब अच्छा होगा और वो उसके संगत में अच्छे अच्छों के साथ बैठेगा और जो धार्मिक डिस्कशन होते हैं उसमें भी वो पारंगत होगा वहाँ भी जीतेगा ज्ञान के क्षेत्र में भी जीतेगा और जिनके शुक्र अच्छे होते हैं तो शुक्र क्या देते हैं संसाधन तो योग माया का जो ईंधन होता है वो शुक्र देते हैं और ज्योतिष में शुक्र जो थे वो दानवों के देवता थे उनके पास संजीवनी थी संजीवनी का उल्लेख इनके पास आया है नहीं आया है वो आया गया है क्योंकि इन्होंने किसी को जिंदा किया है तो एक आध बार किया है लेकिन इनके पास एक ऐसी संजीवनी थी कि वो मरे को जिंदा कर देती थी इसीलिए तो जिसके पास धन होता है वो मरे को भी जिंदा कर देता है हाँ मित्रों ये बात सच है और उसी के लिए तो हम भागते हैं उसी के लिए दिवाली मनाते हैं एक महीने से पूजा करते हैं धन 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 तो कहाँ धन तो ज़रूरी है तो जिनका शुक्र अच्छा होता है तो अब शुक्र क्या देते हैं शुक्र तंत्र विद्या ये भी देते हैं और तंत्र विद्या की ओर ले जाने वाले पहले कार कारक शुक्र होते हैं तो व्यक्ति ये भी जानने की ऑकल्ट साइंस जानने की चेष्टा करता है फिर व्यक्ति का चरित्र कैसा बन बन जाता है जैसे जेम्स बॉन्ड अच्छों के साथ बैठ जाए सूट पहन के तो जेंटलमैन और अगर बेकार में फंस जाए तो ग्रेट गैम्बलर अमिताभ बच्चन जी ने खूब ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं तो बहुत छोटा सा वीडियो था मित्रों हर मौला तो ये भी उन्नत होना चाहिए और ये भी उन्नत होना चाहिए तो वो व्यक्ति हर मौला होता है और भले ही उसके पास संपत्ति हो चाहे नहीं हो उसके पास में बुद्धि हो या ना हो या विवेक ना हो लेकिन वो हर मौला होता है ये दोनों क्योंकि ये कला भी दे देते हैं साथ में और ये केवल ज्ञान देते हैं लेकिन ये रिसोर्सेज भी देते हैं शुक्र और साथ में कला भी दे देते हैं कला के साथ सौंदर्य भी दे देते हैं तो पूरे एक योग माया जो चारों माया है वो दे देते हैं तो इसलिए हरफन मौला कौन होता है जिसका गुरु और जिसका शुक्र अच्छा हो अगर अंगूठा अच्छा है थोड़ा सा मोटा है तो और भी अच्छा है बाकी ये दोनों ही चीज़ प्रथम है जो विचार में आते हैं हरफन मौला यदि हमें किसी के हाथ में देखना है श्री गणेश नमा है वहाँ सरस्वती नमस्त मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को जाते जाते